बहुत स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज पर। आपके साथ मैं अंजलि मुद्गल। आज सुपर संडे है। सुपर संडे में आज दो बड़ी चीजों पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। एक तरफ जहां नरेंद्र मोदी तीसरी बार पीएम पद की शपथ लेने वाले हैं, तो वहीं दूसरी सबसे बड़ी खबर आज की जो है वो है भारत और पाकिस्तान का मैच। T20 वर्ल्ड कप में भारत और पाकिस्तान के बीच महामुकाबला होने जा रहा है, जहां एक तरफ शाम 7:15 बजे मोदी 3.0 सरकार का शपथ ग्रहण समारोह है, वहीं दूसरी तरफ रात 8 बजे भारतीय समय के अनुसार रात 8 बजे ये मैच होने जा रहा है, जिस पर सभी की निगाहें टिकी हैं। समारोह में शामिल होने के लिए शेख हसीना समेत कई देशों से विदेशी मेहमान भारत पहुंच चुके हैं, तो वहीं ICC मेंस T20 विश्व कप 2024 में भारत और पाकिस्तान के बीच जो मुकाबला होने वाला है वो बेहद दिलचस्प रहेगा। जैसे कि मैंने पहले आपको बताया कि भारतीय समय के मुताबिक 8 बजे से न्यूयॉर्क में शुरू होगा ये मैच। भारतीय टीम की कोशिश जाहिर है इस मुकाबले को जीतकर अपनी जीत की लय को बरकरार रखने की होगी, तो वहीं दूसरी ओर पाकिस्तानी टीम अमेरिका से हारकर पूरी तरह से इस वक्त बैकफुट पर है। और अगर पलड़े की बात करें भारत और पाकिस्तान के बीच, तो देखिए पलड़ा पूरे तरीके से भारतीय खिलाड़ियों का, भारतीय टीम का भारी है। आज जो मैच होने वाला है उस पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं, क्योंकि जब बात होती है भारत और पाकिस्तान के मैच की तो एक अलग ही इंटरेस्ट जो क्रिकेट प्रेमी नहीं होता उनका भी जाग जाता है, और आज ठीक वैसा ही रहने वाला है। आज सुपर संडे इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि दो बड़ी खबरें हैं, जहां एक तरफ मोदी 3.0 का शपथ ग्रहण समारोह है, वहीं दूसरी तरफ है भारत और पाकिस्तान का मैच। T20 वर्ल्ड कप में आज भारत वर्सेस पाकिस्तान आप देखेंगे। न्यूयॉर्क में ये मैच होगा, नासाउ काउंटी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम जहां पर ये मैच खेला जाएगा। न्यूयॉर्क में भारत और पाकिस्तान की टीमें आमने सामने होंगी। सुपर संडे का सुपर हिट मुकाबला, दो अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पहले विंडो में तस्वीर ये बताती हुई कि आज सुपर संडे क्यों है सरकार के लिहाज से, चूंकि आज नई सरकार देश को मिलने वाली है, एनडीए की सरकार, बीजेपी की नहीं, एनडीए की सरकार। शपथ ग्रहण समारोह आज हो रहा है, नरेंद्र मोदी मिलीजुली सरकार बनाने वाले हैं। आज शपथ ग्रहण समारोह है, शाम 7:15 बजे नरेंद्र मोदी तीसरी बार पीएम पद की शपथ लेंगे, वहीं दूसरी तरफ रात 8 बजे भारतीय समय के मुताबिक रात 8 बजे भारत और पाकिस्तान के बीच महामुकाबले की होगी शुरुआत। दोनों ही बड़ी खबरें हैं, लोगों के इंटरेस्ट से जुड़ी खबरें हैं। पहली खबर में इंटरेस्ट यह है कि आखिर मंत्री कौन कौन होगा। फोन कॉल्स मंत्रियों को पहुंचने शुरू हो चुके हैं, सांसदों को पहुंचने शुरू हो चुके हैं फोन कॉल्स, जिन्हें मंत्री पद की शपथ दिलवाई जाएगी। वहीं दूसरी तरफ मैच की अगर बात करें तो T20 वर्ल्ड कप में भारत वर्सेस पाकिस्तान आज होने जा रहा है। और इससे पहले देखिए अगर इतिहास देखें हम वर्ल्ड कप में भारत वर्सेस पाकिस्तान का, वनडे T20 का, तो वनडे वर्ल्ड कप कुल 8 मैच खेले गए हैं भारत और पाकिस्तान के बीच में। भारत ने सभी 8 मैच जीते हैं, पाकिस्तान ने एक भी मैच नहीं जीता है। भारत और पाकिस्तान के बीच आज होने वाला मुकाबला, जिस पर निगाहें सभी की टिकी हैं, न्यूयॉर्क के नासाउ काउंटी इंटरनेशनल स्टेडियम में ये मैच खेला जाना है। मुकाबला बेहद दिलचस्प रहेगा। T20 विश्व कप में पाकिस्तान के खिलाफ भारत की जीत का जो रिकॉर्ड है वो 86% रहा है ओवरऑल जो मैच खेले गए हैं T20 विश्व कप में, उसके बारे में मैं आपको जल्दी से जानकारी दे देती हूं। देखिए 7 कुल मैच खेले गए हैं, जिसमें से भारत ने 6 मैच जीते हैं, पाकिस्तान ने महज 1 मैच जीता है। ये बात हुई T20 विश्व कप की, और अब ओवरऑल T20 का भी मैं आपको आंकड़ा बता देती हूं। कुल मैच खेले गए हैं 12, भारत ने जीते हैं इनमें से 9 मैच, पाकिस्तान ने जीते हैं 3 मैच। तो T20 विश्व कप साथ ही साथ ओवरऑल T20 दोनों पर ही अगर आप नजर डालेंगे तो पूरे तरीके से जो पलड़ा भारी है वो भारतीय टीम का है। T20 वर्ल्ड कप में भारत पाकिस्तान का इससे पहले 7 बार मुकाबला हुआ है, जिसमें से 6 मैचेस में भारत ने जीत दर्ज की है। 2007 में 2 बार ये दोनों टीमें आमने सामने भिड़ी थी T20 विश्व कप में, जिसमें भारत की जीत हुई थी। इसके अलावा 2012, 2014, 2016, 21 और 22, सिर्फ 2021 में ऐसा मौका आया था जब पाकिस्तान ने भारत को दुबई में 10 विकेट से हराया था। इस पर एक रिपोर्ट दिखा देते हैं आपको जल्दी से। T20 वर्ल्ड कप में भारत वर्सेस पाकिस्तान, न्यूयॉर्क में भारत पाकिस्तान की जंग। T20 में भारत ने पाकिस्तान को कई बार धोया। महामुकाबले के लिए टीम इंडिया तैयार। भारत और पाकिस्तान क्रिकेट जगत के दो सबसे बड़े आर्च राइवल्स हैं। दोनों टीमों के बीच होने वाले मैच हाई वोल्टेज रोमांच पैदा करते हैं, और यही वजह है कि पूरी दुनिया में क्रिकेट फैंस भारत पाकिस्तान के मैच का बेसब्री से इंतजार करते हैं। अब बिग एप्पल कहे जाने वाले न्यूयॉर्क में
भारत और पाकिस्तान के बीच T20 वर्ल्ड कप का मुकाबला खेला जाना है। इस मैच में दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेटिंग स्टार्स जब आपस में भिड़ेंगे, तब न्यूयॉर्क का माहौल ही कुछ अलग होगा। फैंस को दोनों टीमों के बीच एक रोमांचक मुकाबले की उम्मीद है। इस मैच का वेन्यू न्यूयॉर्क का नासाउ काउंटी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम है, जहां 30,000 से ज्यादा दर्शक मैच देखने के लिए पहुंचेंगे। पाकिस्तान के खिलाफ खेले जाने वाले इस यादगार मैच से पहले टीम इंडिया भी पूरी तरह से तैयार नजर आ रही है और टीम इंडिया के खिलाड़ी काफी शानदार फॉर्म में हैं। ICC T20 वर्ल्ड कप 2024 में भारतीय टीम ने शानदार जीत के साथ अपने अभियान का आगाज किया। आयरलैंड के खिलाफ टीम इंडिया ने 8 विकेट से जीत दर्ज की, तो वहीं पाकिस्तान के लिए T20 वर्ल्ड कप 2024 की शुरुआत बेहद खराब रही है। उन्हें अपने पहले मैच में अमेरिका के हाथों सुपर ओवर में 5 रन से हार का सामना करना पड़ा। पाकिस्तान के खिलाफ T20 वर्ल्ड कप में भी टीम इंडिया का पलड़ा पूरी तरह से भारी रहा है। दोनों टीमों के बीच T20 वर्ल्ड कप में कुल 7 मुकाबले खेले गए हैं, जहां टीम इंडिया ने 6 मैचेस में जीत हासिल की, वहीं पाकिस्तान की टीम ने सिर्फ एक बार साल 2021 के T20 वर्ल्ड कप में भारत को हराया था। ऐसे में यहां भी टीम इंडिया 6-1 से लीड कर रही है। T20 वर्ल्ड कप में शानदार रिकॉर्ड के बीच ग्रुप चरण में भारत का सबसे हाई वोल्टेज मुकाबला पाकिस्तान के खिलाफ खेला जाएगा। पाकिस्तान के मौजूदा फॉर्म को देखते हुए ये काफी मुश्किल लग रहा है कि वो टीम इंडिया को हरा पाए। वैसे इंडिया पाकिस्तान के बीच T20 वर्ल्ड कप में खेले जाने वाले T20 मैच में जीत जिस टीम की भी झोली में गिरे, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन हर बार इंडिया पाकिस्तान के रोमांचक मुकाबले का इंतजार फैंस को बेसब्री से रहता है, और इस बार भी इंडिया पाकिस्तान